इस रॉकेट के अंदर कुछ ऐसा है जो आने वाले कुछ टाइम में इंटरनेट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। एंड अभी के लिए ये रॉकेट 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लेकर जा रहा है। एंड फ्यूचर में इलॉन मस्क इस तरह के टोटल 42,000 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का प्लान बना चुके हैं, जो ऑर्बिट में अभी मौजूद सभी सैटेलाइट से 15 टाइम्स ज़्यादा है, जो फ्यूचर में सभी लोगों को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, जिसे बिल्ड करने के लिए इलॉन की अनदर कंपनी स्पेसएक्स की हेल्प ली जा रही है। ओवरऑल इस तरह के सैटेलाइट्स को बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन जो अभी तक इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है उन्हें भी इंटरनेट की सर्विस दी जा सके। इवन इस तरह के सैटेलाइट्स उन लोगों की हेल्प करेंगे जो हमेशा से बेटर एंड अफोर्डेबल इंटरनेट चाहते थे, मीनिंग स्टारलिंक अभी के इंटरनेट से ज़्यादा फास्ट, अफोर्डेबल एंड लो लेटेंसी वाला हाई स्पीड इंटरनेट होगा। एंड सरप्राइजिंग बात यह है कि टेस्ला कार्स की प्री बुकिंग की तरह ही इस इंटरनेट सर्विस के लिए भी प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है, जो आने वाले 1 से 2 साल में हमारी कंट्री में इंटरनेट को काफ़ी इम्प्रूव कर देगा। बट ये इंटरनेट कब, कहाँ और कितने में अवेलेबल होगा, सो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्ट बिकॉज इस टॉपिक से जुड़ी सभी पॉइंट्स इस वीडियो में अवेलेबल हैं। बट बिफोर दैट, इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX एंड स्टारलिंक इस तरह का अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करने वाली है एंड इस टेक्नोलॉजी का क्या कोई नेगेटिव इफेक्ट भी है? वेल, इलॉन मस्क प्रॉमिस करते हैं कि उनका स्टारलिंक पूरी तरह से बफर फ्री इंटरनेट होगा, यानी कि रियली रियली ब्लेजिंग फास्ट इंटरनेट, एंड होपफुली दिस इज ट्रू। ऑल्सो, आप सभी कौन से ISP की इंटरनेट सर्विस यूज करते हैं? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ऑल राइट, इलॉन मस्क के इस वेंचर का आइडिया उन लोगों को काफी अच्छा लग रहा है जिनके आसपास कभी भी अच्छी इंटरनेट सर्विस अवेलेबल नहीं थी। बट इस डिमांड को पूरा करने के लिए SpaceX को स्पेस में 42,000 स्टारलिंक सैटेलाइट सेंड करने होंगे। एंड एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्पेस में इतने सैटेलाइट्स भेजना आने वाले फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। करंटली हमारे प्लैनेट अर्थ पर 50% पॉपुलेशन के पास इंटरनेट जैसी ज़रूरी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, जिसका रीज़न है अभी यूज़ किए जाने वाले इंटरनेट ऑप्शंस, जो ओशन के नीचे बिछाए गए वायर की मदद से पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिनकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, जो अभी के इंटरनेट प्राइजेस के एक्सपेंसिव होने का वन ऑफ द रीज़न है। एंड इस तरह से ओशन में बिछे वायर्स के कारण मेजर सिटीज़ में दी जाने वाली इंटरनेट सर्विसेज काफ़ी मुश्किल से ही रूरल एरियाज तक पहुंचती हैं। इवन ट्रेडिशनल सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है, जो बस जितने साइज में बड़े स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में भेजा जाता है। एंड अर्थ के ऑर्बिट में इतना ऊपर जाने से ये सैटेलाइट ज़्यादा एरिया कवर कर पाते हैं, जो अर्थ पर समुद्र में बिछे इंटरनेट वायर नहीं कर पाते। सो सैटेलाइट से ज़्यादा एरिया कवर करने से इंटरनेट की सर्विस ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सकती है। बट स्पेस में यदि इस तरह के सैटेलाइट्स का नंबर कम होता है तो ये नंबर अर्थ पर इंटरनेट यूज़ कर रहे लोगों का इंटरनेट एक्सपीरियंस काफ़ी ड्रॉप कर देता है, जैसे कि डेटा कैपेसिटी की लिमिटेशंस, जो अगेन इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड को भी लिमिट कर देता है। एंड स्पेस में अर्थ से इतना ऊपर होने के कारण सिग्नल के अपलोड और डाउनलोड होने में भी काफ़ी समय लगने लगता है, जिसका रिजल्ट होता है इंटरनेट लैग, जिसके बारे में इंटरनेट गेमर्स काफ़ी अच्छे से जानते हैं। बाय द वे, आप सभी में से कौन कौन पबजी गेम के कमबैक का वेट कर रहे हैं? सो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलॉन मस्क के पास ऑलरेडी एक आइडिया था, जिसे उन्होंने अब एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। एंड इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने SpaceX की मदद ली। स्टारलिंक एक तरह का ग्लोब नेटवर्क है जो अर्थ के ऑर्बिट में ट्रैवल करते हुए पूरे प्लैनेट को इंटरनेट कवरेज देगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सके। और यदि आप स्टारलिंक के इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आप चाहे कहीं भी क्यों ना हो, इंटरनेट की सर्विस पूरी तरह से आप तक पहुंचेगी। बट मेन क्वेश्चन है, इलॉन मस्क सभी को इंटरनेट से कनेक्ट क्यों करना चाहते हैं? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर है सभी को इंटरनेट सर्विस देना, जो एवरी ईयर इलॉन की अदर कंपनीज के लिए फाइनेंशियल बैकअप की तरह काम करे, जिसका आइडिया लगाना काफ़ी ईजी है। यदि अर्थ पर मौजूद 1% लोग भी इस सर्विस को यूज़ करने लगते हैं तो एवरी ईयर स्टारलिंक एटलीस्ट 30 to 50 billion dollars की रेवेन्यू जनरेट करेगा। एंड इलॉन मस्क और SpaceX की प्रेसिडेंट कहते हैं कि इतना रेवेन्यू स्टारलिंक, स्टारशिप और SpaceX मार्स मिशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए काफ़ी रहेगा। वेल, क्या आपको पता है कि मार्स प्लैनेट पर जाने में ह्यूमंस को इतना टाइम क्यों लग रहा है? इस टॉपिक को हमने अपनी रीसेंट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। SpaceX ने इस तरह के स्टारलिंक सैटेलाइट लास्ट ईयर अक्टूबर में ही स्पेस में भेजने शुरू कर दिए थे, और फर्स्ट टाइम अक्टूबर में SpaceX ने अर्थ के ऑर्बिट में 700 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को सेंड किया। एंड SpaceX का प्लान है कि आने वाले 5 सालों में 12,000 सैटेलाइट्स को अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जिसमें से हाफ यानी कि 6,000 सैटेलाइट्स को 2024 तक ऑर्बिट में भेजने का प्लान है।
12,000 सैटेलाइट सुनने में ज्यादा तो लगते हैं बट पूरे अर्थ की पॉपुलेशन के लिए नहीं। इसलिए इलॉन मस्क आने वाले टाइम में 30,000 और सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। मीनिंग इलॉन मस्क अर्थ ऑर्बिट में एटलीस्ट 42,000 स्टारलिंक के सैटेलाइट्स की हेल्प से पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, जो ऑल टाइम हम ह्यूमंस को इंटरनेट से कनेक्टेड रखेगा। इवन इन सभी 42,000 सैटेलाइट्स में कुछ सैटेलाइट अर्थ ऑर्बिट के और भी नियर बाय फ्लाई करेंगे, जैसे कि 322 किलोमीटर से लेकर 643 किलोमीटर तक। एंड इतनी कम हाइट पर ऑर्बिट करने से ये सैटेलाइट्स कनेक्शन डिले को रिड्यूस कर देंगे, जो यूजर्स को बेटर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो अभी के सैटेलाइट्स में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। एंड यस, यदि आपको नहीं पता तो स्पेस में ऑलरेडी इंटरनेट सैटेलाइट्स मौजूद हैं, बट ज़्यादा यूजर्स और कम सैटेलाइट्स की वजह से हम इस तरह की सर्विसेज के बारे में नहीं जानते, जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स के बाद सभी लोगों के लिए अवेलेबल होगी। एंड एक बार ऑर्बिट में लॉन्च होने के बाद ये स्टारलिंक सैटेलाइट्स हमेशा के लिए अर्थ का ऑर्बिट करेंगे, जो इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स का ऑर्बिट में मौजूद होने की नेसेसिटी को इंक्रीज करता है। बट इतने सारे सैटेलाइट्स क्यों? वेल, इसका आंसर है इन सभी सैटेलाइट्स का ऑर्बिट में ट्रैवल करना, जिस कारण ये सैटेलाइट एक जगह पर ना रहने के कारण अर्थ को इंटरनेट से कनेक्ट रहने में अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए यदि ये सैटेलाइट ज़्यादा नंबर्स में ऑर्बिट में नहीं भेजे जाएंगे तो ओनली एक टाइम पर कुछ ही यूजर्स इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएंगे, जो ओनली तब तक ही पॉसिबल रहेगा जब तक वो सैटेलाइट यूजर्स के ऊपर ऑर्बिट में मौजूद रहे। इसलिए स्पेस एक्स को ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने की ज़रूरत है, जो अर्थ पर लेज़र बीम की मदद से सिग्नल सेंड करेंगे, जो इस तरह के इंटरनेट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ताकि सैटेलाइट के मूव करने के बाद भी सभी यूजर्स एक के बाद एक मूव करते सैटेलाइट से हमेशा कनेक्टेड रहें। एंड इस तरह के इंटरनेट को अपने घर पर इस्तेमाल करने के लिए आपको एक फुल साइज़ पिज्ज़ा जितने बड़े एंटीना को अपने घर की छत पर लगाना पड़ेगा, जो ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहे सबसे क्लोज सैटेलाइट से कनेक्ट होकर आपके घर को इंटरनेट से कनेक्टेड रखेगा। और सभी टेक्नोलॉजीज की तरह ही इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की एक प्रॉब्लम है। अर्थ से इन सभी सैटेलाइट्स को देखना काफ़ी इजी है, जो इस टेक्नोलॉजी की एक खामी है, बिकॉज ये सैटेलाइट्स काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं, जिस कारण रात के समय यदि आपको ज़्यादा स्टार्स दिखें तो इसका रीज़न स्टार्स नहीं बल्कि इंटरनेट सैटेलाइट्स हैं। एंड आप में से बहुत लोगों को ये खामी कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी, रात को आसमान में ज़्यादा स्टार्स ही दिखेंगे और पॉल्यूशन के कारण तो ये भी नहीं दिखते। बट नो, इस तरह की चीज़ें काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट रात से लेकर सुबह होने तक नाइट स्काई में क्लियरली देखे जा सकते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए स्पेस में स्पेस एस्ट्रॉयड जैसी चीज़ों को फाइंड करने का टाइम होता है, जो किसी दूसरी गैलेक्सी से सीधा हमारे प्लैनेट की ओर आ रहे होते हैं। और यदि ऐसी चीज़ों को टाइम रहते आइडेंटिफाई नहीं किया गया तो इस तरह के स्पेस ऑब्जेक्ट्स हमारे साथ भी वही करेंगे जो डायनासोर्स के साथ हुआ था। इसलिए स्पेस में सैटेलाइट जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही प्रॉब्लम एस्ट्रोनॉमर्स को अर्थ की ओर आते हुए स्पेस ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में होगी। इसलिए अगर ऑर्बिट में स्टारलिंक जैसे थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स को सेंड किया जाए तो इस तरह के शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के कारण काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं, जो नाइट स्काई के सर्वेस को पूरी तरह से अनसक्सेसफुल बना देंगे। इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने के साथ साथ ज़्यादा सैटेलाइट्स का ऑर्बिट में मौजूद होना फ्यूचर में होने वाले स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि SpaceX 42,000 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च करता, SpaceX को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना मोर देन नेसेसरी था। एंड SpaceX ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करते ही सैटेलाइट में डार्क सेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें SpaceX ने सैटेलाइट के उन सभी शाइन करने वाले पार्ट्स को सुपर डार्क ब्लैक कलर पेंट से पेंट कर दिया, ताकि वो रात के समय चांद की रोशनी से शाइन ना करें। लेकिन इस तरह का सॉल्यूशन थोड़े समय तक काम कर सकता है, बट जब तक इस प्रॉब्लम को इनविजिबल बनाने के सॉल्यूशन नहीं मिलते तब तक स्टारलिंक सैटेलाइट्स प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करते रहेंगे। और यदि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है तो इसके बाद भी एक और इम्पॉर्टेंट इशू है जिसका सॉल्यूशन फाइंड करना ज़रूरी है, जो है स्पेस में ऑर्बिट कर रहे वेस्ट मटेरियल, जिसे स्पेस जंक या फिर स्पेस डेब्रिस कहा जाता है। और यदि अर्थ के ऑर्बिट में 42,000 सैटेलाइट्स जैसी चीज़ें हमेशा मूव करती हैं तो इन चीज़ों का आपस में कोलाइड करने के चांस हमेशा बने रहते हैं। इसलिए यदि इस तरह के स्पेस ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो इन चीज़ों से स्पेस में काफ़ी ज़्यादा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होने लगता है, जो ऑर्बिट में मौजूद दूसरी चीज़ों को भी डैमेज कर सकते हैं। एंड अभी तक इस तरह के स्पेस डेब्रिस को ऑर्बिट से दूर करने का या फिर अर्थ पर वापस लाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए ऐसी चीज़ें हमेशा के लिए अर्थ के ऑर्बिट में ही मौजूद रहेंगी। बट यदि इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाता है तो स्टारलिंक पूरी तरह से सक्सेसफुली सभी लोगों को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी में काफ़ी बड़ी इंप्रूवमेंट ला सकता है। एंड दूसरी कंट्रीज की तरह ही अब हमारी कंट्री में भी स्टारलिंक सैटेलाइट की प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है, जो हमारी कंट्री के कुछ एरियाज़ में 2022 तक इस्तेमाल के लिए अवेलेबल होगा, जैसे कि अहमदाबाद, गुजरात, मध्य प्रदेश।
वेल, यदि आप इन सभी एरियाज में रहते हैं तो 7,300 रुपीज की हेल्प से आप अभी स्टारलिंक सैटेलाइट की प्री बुकिंग कर सकते हैं, जो पूरी तरह से रिफंडेबल है, जिसका इंडिया में अवेलेबल होते ही आपके लिए यूज करना काफी इजी होगा। इवन अकॉर्डिंग टू इलॉन मस्क, स्टारलिंक फ्यूचर में 50 Mbps से लेकर 300 Mbps की इंटरनेट स्पीड देगा। और यदि आपको स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस एक्सपेंसिव लग रही है तो हेयर्स अ गुड न्यूज, आने वाले टाइम में जैसे ही स्टारलिंक अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करने लगेगा, वैसे ही इंटरनेट प्लान की प्राइसिंग ड्रॉप होने लगेगी, जो काफी जल्दी भी हो सकता है, बिकॉज जेफ बेजोस भी कुछ इस तरह का ही करने का प्लान कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा कंज्यूमर्स पाने के लिए मे बी स्टारलिंक जल्दी से अपने प्राइजेस ड्रॉप करना शुरू कर दे। और यदि ऐसा होता है तो आप कौन से बिलियनर की कंपनी चूज करना प्रीफर करेंगे, जेफ बेजोस या फिर इलॉन मस्क? शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।